अभी दो दिन पहले की बात है कि हमने आप तक एक खबर पहुंचाई थी, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इस खबर पर अब खुद रोहित शर्मा ने मुहर लगा दी है। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोहित शर्मा खुद मुंबई इंडियंस को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो 10 मिनट के अंदर ही केकेआर ने डिलीट भी करवा दिया, लेकिन ये वीडियो तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में भी हम आपको पूरी बातचीत बताएंगे कि रोहित शर्मा और अभिषेक नायर के बीच में पूरी बातचीत हुई क्या है। दरअसल मुंबई का अगला मुकाबला कोलकाता के साथ कोलकाता में ही खेला जाएगा, जहां पूरी कोलकाता की टीम रोहित शर्मा से मुलाकात कर रही थी। अभिषेक नायर जो रोहित शर्मा के काफ़ी करीबी रहे, मुंबई से उनका भी संबंध रहा है, दोनों की एक अलग ही दोस्ती है, और वहीं पर रोहित शर्मा उनसे बातें कर रहे थे मुंबई इंडियंस को छोड़ने को लेकर। दोनों के बीच में जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरीके की थी। रोहित शर्मा अभिषेक नायर से कहते हैं कि एक एक चीज चेंज हो रही है, वो उनके ऊपर है, वो मेरा घर है, मैंने उसको मंदिर की तरह बनाया है, भाई मेरा क्या, मेरा तो ये लास्ट है। अब इन बातों को लोग मुंबई इंडियंस से जोड़कर देख रहे हैं कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने की बात करें, क्योंकि इसके आगे की वीडियो में शोर बहुत ज्यादा है, लिहाजा पूरी बातचीत लोगों के समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इस वीडियो को केकेआर ने डिलीट करने के साथ ही ये साबित कर दिया कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को लेकर ही बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर अगर आप देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई एक एक चीज यहाँ पर बदल रही है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बाद से ही लगातार मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव को लेकर बहुत सारे सवाल थे, भाई अगले सीजन में शायद ये टीम का साथ छोड़ सकते हैं। और अभी जैसे कि वसीम अकरम का भी बयान आया था कि आईपीएल 2025 में वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा केकेआर की तरफ से खेलते नजर आए, और ऐसे में ये कहना रोहित शर्मा का कि उनका ये आखिरी सीजन है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक मुहर भी लगाता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के साथ अब खेलना नहीं चाहते हैं। ये सीजन भी अगर आप देखिए मुंबई के लिए बहुत अच्छा नहीं गया, टीम शुरुआत से लेकर आखिरी तक मुकाबले नहीं जीत पा रही है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर बहुत सवाल उठे, तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या के बीच की जो लड़ाई सामने आई उससे भी मुंबई का मैनेजमेंट काफ़ी नाराज दिखा, और कहीं ना कहीं मुंबई के मैनेजमेंट का ये कहना था कि जब आप टीम के कप्तान हैं तो हार को लेकर सिर्फ और सिर्फ किसी एक खिलाड़ी पर सवाल नहीं उठा सकते। और इसके साथ ही रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके से मुंबई के मैनेजमेंट ने पूरी तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया था, सवाल उस पर भी था कि रोहित शर्मा को आपने कप्तानी से हटाया, 5 बार के वो चैंपियन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जिस तरीके से हटाया उस पर सवाल था। फैंस नाराज थे, इंस्टा से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर जो अनफॉलो किया गया मुंबई इंडियंस को। लेकिन ये खबर आना कि रोहित शर्मा खुद ये कह रहे हैं कि भाई वो अब इस टीम के साथ नहीं रहना चाहते, अभी देखने वाली बात रहेगी कि इस पर अगला रिएक्शन मुंबई इंडियंस से क्या आता है और खुद रोहित शर्मा इस पर क्या कुछ बयान देते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है कि रोहित शर्मा अगले सीजन में मुंबई के साथ रहें या फिर अगर वो मुंबई छोड़ते हैं तो किस टीम में जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।